पीपी रहनुमा कमर जमान खायरा ने बड़ी बात कर दी। कहते हैं अगर इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात की कोई पेशकश होती है तो हम आसिफ अली जरदारी को कायल कर लेंगे, लेकिन खान साहब का लहजा काफी सख्त है, उन्हें अपना अंदाज बदलना होगा। पीटीआई की तरफ से या खान साहब की तरफ से पॉजिटिव साइंस आएंगे तो यकीनन मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि हम जरदारी साहब को इस बात पे कायल ना कर सके। वो उनका गुस्से का एक लम्हा ज़रूर होगा जिसमें उन्होंने कहा कि बात नहीं हो सकती, लेकिन आसिफ जरदारी साहब वो शख्स हैं जो हर मुश्किल तरीन घड़ी में भी रास्ता निकालते हैं और मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। तशद्दुद किसी भी तरफ से हो वो गलत है, हालाँकि रियासत के पास तशद्दुद का इख्तियार होता है और वाहिद सोल इख्तियार अगर किसी के पास है तो वो रियासत के पास है। उस दिन अगर पुलिस ने ये बात कही थी कि हमने 144 नाफिज कर दी है, अब दिल्ली नहीं निकाल सकते, तो कोर्ट वाज द बेस्ट वे, वहाँ से उनको इंसाफ मिलता ही है या इंसाफ से भी ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रास्ता था बजाय इसके कि उनके कारकुन पुलिस पे चढ़ दौड़ते, उनकी गाड़ियाँ तोड़ते, उनको लाठीचार्ज उन पर पुलिस पे करते, और उसके जवाब में पुलिस वाले भी इंसान हैं। हम अक्सर ये करते हैं कि पुलिस को मारते हैं, पुलिस पे लाठीचार्ज करते हैं, तशद्दुद करते हैं, पथराव करते हैं और उनसे तवक्को करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल वो वेस्टर्न पुलिस की तरह बिहेव करना।